बहुत मजा आया अंकल मजबूर की तरह। शैम्पू की जरूरत पड़ रही है शैम्पू लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम मुबशर है और आप देख रहे हैं फ्रॉम मुबशर देयर एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज मौजूद हूँ खानपुर में। गर्मी बहुत शदीद थी तो सोचा यार कि क्यों ना खानपुर जाया जाए। आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, तो अभी आपको बैक साइड का मज़ा चेक कराता हूँ वेट करें। तो बाबा जी इस तरह का कुछ माहौल है आपके सामने। रश बहुत वाह मचा हुआ है क्योंकि जो है ना वो गर्मी बहुत शदीद है। फ्राइडे का आज डे है और ये खानपुर का पानी और ये बैठने फुल माहौल है भाई। ठीक हो गया है और आप देख रहे हो कि मैं बाहर खुशक बैठा हूँ, अभी ठीक हो गया है। मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा हूँ शाहजी की स्लीपर्स की। मूसा आ रहा है, शाहजी वो बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ शाहजी। ये शाहजी बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं पानी में बैठ के, थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। उसके बाद जो है ना ये सीन होता है बेसिकली कि आप यहाँ पर जाएँगे और जिस तरह ये सारे भाई जंप्स वगैरह मारे हैं, इन सब का भी यही ध्यान होता है यार कि ऐसा जंप्स है। ये देखें यार कितना इन्जॉय कर रहे हैं, पानी बहुत कमाल का ठंडा पानी, गर्मी बहुत शदीद है। तो अच्छा पीछे चक्कर है, बेसिकली पीछे बैक साइड जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत चक्कर है इनका काम देख रहे हैं आप। ये देखिए यहाँ से आ रहा होता है, हर बंदा आता है यहाँ पर आके स्टंटबाजी करता है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे पानी से जो है ना वो बेसिकली तो लगता है डर, ठीक है, लेकिन गहरे पानी से हो और जंप पैरा में ना अगर मैं साल भर आता हूँ ना, मैं दिन में स्टार्टिंग मतलब उनका होता है और उसके बाद सुकून से टेंशन फ्री होकर मैं मतलब पानी में खड़ा होता हूँ। मैं बेसिकली मेरी वो जगह होती है जंप मारने के बाद मैं खड़ा होता हूँ और आराम से चिल करता हूँ। मूसा भी आ रहे हैं रास्ते में, हाँ बनाए बनाए शादी आ रही, मूसा भी आएगा उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आपका भाई भी जाएगा पानी में इंजॉयमेंट करने के लिए। सामान उसको पकड़ाएंगे, देखें इसमें हमारे वॉलेट ईच एंड एवरीथिंग इसमें सामान मुद्दा और शाहजी की चप्पल वगैरह। अभी शाहजी जा रहे हैं और शाहजी ने कहा कि मेरी वीडियो बनाओ, अभी आप चेक करेगा आपको दिखा दिया। वो देखिए शाहजी, वो नहीं शाहजी, वो नहीं शाहजी, ये देखें आप शाहजी के काम चेक करें। ऊपर खड़े हुए शाहजी, वहाँ से नीचे आने के चक्कर में रश बहुत ज़्यादा है। शाहजी बंदे को साइड पे करते हुए, ये अल्लाह मदद, अल्लाह खैर। ये शाहजी के पानी में फुल एंजॉय करते हुए गर्मी को हटाते हुए वो शाहजी जा रहे हैं यार। देखिए माशाल्लाह कितना रश है यहाँ पे, कुछ भाई जाहिर से करता है जाते हैं पीछे, फुल एंजॉय करते हुए वो शाहजी वहाँ से नज़र आ रहे हैं आपको। अब यहाँ से किसी बंदे का सहारा लेंगे और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ के आप बाहर भी आ सकते हैं। और मेरे से हमेशा ही मिस हो जाती है वो, मुझे वो बहुत आगे जाना पड़ता है और वहाँ से वापस आता हूँ। वो शादी आ रही, शादी तुसी भी उतरे वाली साइड तू यार, मेरी तो देख की हालत खराब, बंदा उठे उड़ जाए फिर। उस साइड में गिराई भी बहुत ज़्यादा ना नीचे, उस साइड में नीचे गिराई बहुत टाइट है, तो जिधर सारे जम कर रहे हैं ना तो यहाँ पे बहुत टाइट गिराई है यार। मतलब एक्सट्रीम लेवल जो है ना नीचे कम से कम मेरा ख्याल है कभी 10-12 फुट की गिराई है जो ये स्टार्टिंग में इस जगह पर, लेकिन वो अंदर नीचे ब्रिज के नीचे वाली साइड है तो टेंशन नहीं होती इसकी। और फिर आगे पानी बिल्कुल नॉर्मल है, आप ये देख सकते हैं ये इन बाइक में किधर आ रहा है, सब फंटर है, सब ट्राइयाँ मार रहे हैं। शाहजी एक और बार पहुँच चुके हैं। अच्छा ये जगह यार देखना, अभी शादी उधर ही जा रही है, अभी आप चेक करना। ये वो जगह है, ये वो जगह है आपका भाई जैसे खड़ा होता, यहाँ भी मैं रिलैक्स फील करता हूँ खड़ा होकर और इस तरह से करता हूँ शादी कर रहे होते हैं और बहुत यार सुकून और रिलैक्सेशन मिलती है यकीन करें आप। और एक साल बाद में दोबारा आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिन में खूबसूरत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इस तरह का नहीं कि मैं जान सा पानी में आराम से चले जाऊँगा, मुझे पता ठंडा लगेगा बात एक दो उसके बाद खुद इन्जॉय पल इंजॉय करते हुए लड़के चेक करो वो पर जी थे इनके काम का। तो बॉयज मूसा आ चुका है, ठीक है, भाई भी आपका भी डुबकी मार के आ चुका है। अब शाहजी और मूसा इकट्ठे जाएंगे, ये मूसा और ये शाहजी
वेट करके दिखाते हैं। डिस्कशन हो रही है कि तूने कभी सेंटर में जंप मारी यहाँ से पानी छोड़ा मेरा मुस्तफा मेहरान मारा इधर से मारते होते हैं शाजी के काम चक्कर हो गया उस्ताद उसको याद है कि यहाँ से वापस आना अब मुश्किल ही है। बंदा साड़ा फस गया हले याद है पूरा माल मुदा खुला हुआ था जी शादी ने आवाज़ मारी है बचे थोड़ा ध्यान फुल सीन है यार बहुत सख्त जो है ना वो गर्मी थी अल्हम्दुलिल्लाह कमाल हो गया मौसम बेहतरीन है बस इतने क्या सवाल आप देख सकते हैं कि मैं भी भीग चुका हूँ ठीक है और लड़के फिर से जम के चक्करों में तैयार बैठे वहाँ से हम जम करके आते हैं ना उसके बाद हमारा होता है टारगेट की एक पहली सीढ़ी है यहाँ से करने का जो और मैं जाता ही इधर से क्योंकि मुझे जो है ना वो सची बात खौफ सा आता है तो मैं इसलिए जाता ही सीढ़ी मेरी शलवार फट चुकी है बहुत मजा आया बच्चे भाई मुझे बहुत मजा आया अंकल मजबूर की तरह तू ऊपर से ना लगाई शाहजी ने अपने साथ मूसा को भी तैयार कर लिया ऊपर वाले क्लब से जंप मारने के लिए मूसा सोच में कह रहा मां मूसा के एक्सप्रेशन देखो यार शादी करे मूसा बिल्कुल उस कंडीशन में मैं यहाँ में नीचे मेरी ये हालात हुई होती पानी जरा थोड़ा गहरा है मुसा भाग गया मुसा ने कहा नहीं भाई मैं नीचे वाली साइड से जाऊंगा और शादी ऊपर खड़े थे शादी ने असल सीन बचता है यहाँ पे तो यहाँ से सीढ़ियों को हमने चढ़ना होता है ना पहले सीढ़ी फिर चक्कर बहुत पड़ा था शादी उसका हाथ पकड़ लिया चलते थे बशीर भाई आप शॉट देखना आधी से मार लिया अब ऊपर पूरी से मार ऊपर यार ये काम ठीक नहीं है कि दोस्त जो इधर आते हैं ना ये ज़बरदस्ती तो दूसरे को जो है ना वो धक्का देने वाले चक्कर करते हैं ये चीज़ गलत है क्योंकि देखें हर किसी को वाटर फोबिया भी होता तरीका गलत है इस बार पंप होकर कह रहा है कि मैं ऊपर वाली साइड से मारूंगा तो वो जा रहा है ऊपर की तरफ कहाँ जा रहा भाई ये क्या हो रहा है भाई शाह जी आगे करते हैं बंदे के यार थोड़ी आगे हो जाओ या पीछे हो जाओ अल्लाह खैर बजे किसी का ¡Hola, qué! ¡Ya te lo hablé!
चाची गए ये क्या था यार थोड़ा दूर करके फेंक नीचे मार दिए यार उसने ओ भाई साहब आपने सीन तो देखा ही होगा यार देखो यार ये काम गलत है ये देखो फिर एक और दोस्त भाई को मूसा बहुत भरपूर कोशिश के साथ फिर भी नाकाम रहा और वापस आ रहा उसने बड़ी हिम्मत कर लेता ऊपर चले जाता मैं तो नेड़े भी नहीं जा सकता इसने पता क्या किया यू यू किया नीचे शाह जी मूसा की कुट लगाते हुए बंदा बन गया मुबशिर भाई लगाओ यार मुबशिर भाई बशीर ये देखे जी ये बंदा है कितना डर रहा है ओ हो रमजान लोगों जॉब ऑफ द डे चेक करो ये गलिये को भी जरूरत पड़ रही है अपने सर में शैम्पू लगा रहा है शाजी लेके आए थे शाजी ने मेरा इस्तेमाल कर लिया ये अपना नहीं दे रहा था ये कहता मैं भी शैम्पू तो अभी ये देख रहे हैं आप ये उनके काम चेक करें आप सर ये ये तरीका है जी खानपुर में नहाने का अगर आपके घर में पानी की कमी है तो आप इधर आ सकते हैं और वो देखिए कैसे चमके हुए लड़के निकले अंदर से इसके तो बालों को जरूरत ही नहीं है इसने पता नहीं क्यों किया इसको बेहतर पता होगा चेक करो चमचमाते ये देखो यार इस बंदे को आपको लगता है क्या जरूरत थी यार इसको भाई तुझे जरूरत क्या थी शैम्पू लगाने की तुझे बता अरे सारी बातें छोड़ो ये चेक करो इस बंदे के दो रूप हैं ये सांप है ये एक कोबरा नाग है इसके दो रूप हैं आप लोगों ने गेस करना इसने किया क्या अब ये बता देगा बताओ मैं आपको बताऊंगा नहीं वीडियो में क्या चेंज है वीडियो में बता देगा क्या उसको जो है ना गिव अवे होगा हां गिव अवे होगा जी चलो जी ठीक हो गया जी ये आपके सामने अब आपने बताया इस वीडियो में चेंज क्या है ठीक हो गया सो गाइस अभी हम लोग रुके हैं आके मलंग जान के ऊपर वापसी पे क्योंकि स्विमिंग के बाद भूख बहुत टाइट लगती है तो अभी चलते हैं नीचे और उसके बाद दिखाते हैं आपको क्या सीन चलिए चलो हाँ जी गर्मा गर्म कबाब आ गए हमारे और अभी सबसे मज़ेदार चीज़ है अच्छा तो भाई जो मारा ऊपर डाल रहे थे हमारे ये इधर की स्पेशलिटी है जी मलंग जान बीफ कड़ू कड़ू पुलाव कर्नौल में सबसे पुराने वाला
यानी आधा किलो, ये आधा किलो क्या नाम है आपको बेनिफिट है इसमें, ना आपको ग्रेवी मिलेगी ना एक्स्ट्रा राइस मिलेंगे, मतलब जो है यही है। इसका आप खाते हो ना चमन बिरयानी, वो सेम यही चीज़ है भाई। इधर ये वाला चाहिए, ये हाफ के जी, ठीक है। और एक बार आप उनकी रेट चेक करा दो ताकि आप आओ, ये साहब है। अब आप पॉज करके खुद ही देख लेगा, हम लोग लगे खाने। सो गाइस, वापसी पे हम लोगों ने ज़रा बाइक खींचे थे, तो आगे मूसा जा रहा है और इधर इस बाइक पे मैं और शाजी बैठे हैं। शाजी का GS 150 है, हम डबल है और वो सिंगल है। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, और ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा।